बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के एक अहम पड़ाव को पार कर लिया है। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की ओर बढ़ चला है। तकनीकी भाषा में कहे तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ सफर कर रहा लैंडर अलग हो चुका है और अब लैंडर विक्रम को आगे का रास्ता अकेले ही तय करना होगा। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि विक्रम लैंडर ही 23 अगस्त को शाम 5:25 पर चांद पर लैंड करेगा। आपको बता दें कि साइंटिस्ट टीवी वेंकटेश्वरन ने बताया है कि लैंडर के पेट के अंदर रोवर मौजूद है। धरती से अब तक लैंडर और रोवर के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल ने सफर तय किया था और फिर 17 अगस्त की दोपहर इसरो ने सेपरेशन का फैसला किया। इससे दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, लैंडर मॉड्यूल का इंजन और दूसरी चीजें ठीक से काम कर रही हैं। अलग होने के बाद लैंडर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, यानी उसके पास पूरी क्षमता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, लैंडर अलग होने के बाद 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग करेगा। वही बता दें, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन का एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। जैसा कि हमने बताया, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन का एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अकेले ही चांद की ओर बढ़ चला है और आने वाले घंटे इस मिशन के लिए काफी अहम होने वाले हैं, जिस पर प्लेनेटरिंग की प्रोग्रामिंग मैनेजर प्रेरणा चंद्रा कहती हैं कि करीब करीब हम अपने आखिरी चरण पर हैं और एक एक स्टेप आगे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, हर दिन अहम होगा। 23 अगस्त को इसरो ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग का समय तय किया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हो चुका है और अब आखिरी 100 किलोमीटर का दायरा हमारा विक्रम लैंडर अकेले तय करेगा। ऐसे में आगे क्या होने वाला है, चलिए कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। नंबर 1, लैंडर अगले कुछ घंटों तक अपनी स्पीड को कम करेगा। नंबर 2, इसके साथ साथ लैंडर खुद को सीधा करेगा, क्योंकि अब तक वह ट्रेवल कर रहा था, अब उसे चांद पर उतरने के हिसाब से खुद को तैयार करना है। नंबर 3, अब 4 से 5 दिन में लैंडर इस बात की जांच करेगा कि इसरो ने जो जगह लैंडिंग के लिए निर्धारित की है वहां उतरने में कोई समस्या तो नहीं है। नंबर 4, जो प्रोपल्शन विक्रम से अलग होकर पीछे छूट चुका है वह भी काम करता रहेगा। जो भी विक्रम से सूचना इसरो को मिलेगी उसमें प्रोपल्शन एक तरह से बैकअप का काम करेगा। नंबर 5, अब धड़कने बढ़ाने वाला अगला पड़ाव तब आएगा जब लैंडर चांद से 30 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेगा, क्योंकि वहां से ही उसके चांद की सतह पर नीचे उतरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।